हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, अश्वगंधा हमारे संपूर्ण शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकने में मदद करता है। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये एक बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस कारण ये हमारे दिल से जुड़ी हुई तमाम तरह की प्रॉब्लम से हमें बचाने में मदद करता है। अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से हमारे दिल की मांसपेशियाँ मजबूत और ख़राब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, अगर कोई नींद ना आने से परेशान है तो उनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और सलाह के अनुसार अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं, यानी जिनको टाइम से नींद नहीं आती या कम नींद आती है, उनके लिए अश्वगंधा रामबाण का काम करता है। स्ट्रेस और तनाव के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है अश्वगंधा। तनाव के कारण लोग न सिर्फ समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बल्कि कई बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा टेंशन भरा उनका माइंड रहता है, उनके लिए अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं और इसके कॉन्टिन्यू सेवन से जो कम नींद आने की प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। यौन क्षमताओं में भी वृद्धि करता है अश्वगंधा। कई पुरुषों में यौन इच्छा कम होती है और वीर्य की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती, इस कारण वो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में अश्वगंधा जैसी शक्तिवर्धक औषधि पुरुषों में यौन क्षमता को बेहतर करके वीर्य की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो ये पुरुषों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हमारा प्रोटेक्शन करता है अश्वगंधा। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कैंसर जैसे घातक रोग से भी हमारे शरीर का बचाव करता है। डायबिटीज़ में भी अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के जरिए डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइमिक गुण ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है अश्वगंधा। ये तो सभी जानते हैं कि अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। तो जिन लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में या थोड़ा सा मौसम बदलने से छोटी मोटी बीमारियां अपने चपेट में ले लेती हैं, वो अगर कॉन्टिन्यू इसका सेवन करते हैं तो अश्वगंधा के सेवन से वो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर शरीर की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अनगिनत फ़ायदे हैं थायराइड में, आंखों की प्रॉब्लम में, अर्थराइटिस में, याददाश्त सुधारने में, मांसपेशियों को मजबूत करने में, हृदय रोगों से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, और नियंत्रित वजन के लिए भी अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि इसका सेवन कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे बेहतर ये होगा कि आप इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें, उसके बाद में ही आप इसका सेवन करें। दूसरे, नॉर्मली आप बाज़ार से अश्वगंधा का पाउडर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं और आप उसका सेवन 3 से 6 ग्राम डेली बेसिस पर कर सकते हैं। इसका सेवन आप पानी के साथ में भी कर सकते हैं, शहद के साथ में भी कर सकते हैं और घी में मिलाकर भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप इसका सेवन शहद के साथ में कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम की क्वांटिटी लेकर आप उसमें आधा चम्मच शहद ऐड करें और उसको सुबह नाश्ते से बाद में चाट लें, और उसके बाद में हो सके तो हल्का गुनगुना पानी या आप हल्का गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। ये इसका तरीका है सेवन करने का और क्वांटिटी 3 से 6 ग्राम ही स्टार्टिंग में हमें रखनी चाहिए। कई बार इसके फ़ायदों को देखकर बहुत सारे लोग इसका सेवन ज़्यादा शुरू करना कर देते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में कुछ एक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे दस्त लगना या पेट में दर्द रहना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आप इसका सेवन कोशिश करें कि किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करें और इसका सेवन आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही करें। धन्यवाद।